वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। जब भी आप यात्रा पे निकले या कहीं पे घूमने टहलने जाएं, तो कुछ इम्पॉर्टेंट दवाइयाँ जो कि आप अपने पास ज़रूर रखें, जैसे कि दस्त के लिए, गैस के लिए, शरीर में अगर दर्द हो रहा हो या शरीर में चक्कर आ रहा हो या आपको उल्टियाँ जैसी महसूस हो रही हो या मतली आ रही हो, तो वहाँ पे कौन कौन सी मेडिसिन आपको रखनी चाहिए। तो उनमें अगर सबसे पहले मेडिसिन की बात करें तो उल्टी या मतली को रोकने के लिए जो बेस्ट मेडिसिन होती है वो होती है पेरिनार, जिसमें मेट्रोक्लोप्रोमाइड हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है और ओमिकाइंड होती है ओमिकाइंड, जिसमें ओंडेसेट्रान पाया जाता है। ये मेडिसिन दोनों में से कोई एक मेडिसिन आप रख सकते हैं अगर आपको उल्टी या मतली की प्रॉब्लम है तो, क्योंकि ये मेडिसिन आपको उल्टी और मतली के प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए जो है वो रखनी चाहिए। वहीं कुछ अदर मेडिसिन की बात करें जो कि आप अपने साथ रखें, जैसे कि आपके शरीर में दर्द हो रहा हो या बदन में दर्द हो रहा हो या सिर का दर्द हो रहा हो, तो उस कंडीशन में अगर आप अपने पास जैसे कि जीरोडाल पी नाम से मेडिसिन आती है जिसमें एस्लोपिनेक पैरासीटामॉल होता है, इस मेडिसिन को भी आप अपने साथ रखें। कई सारी और पेन किलर मेडिसिन आती है, तो उनमें से आप कोई भी एक पेन किलर मेडिसिन ज़रूर अपने पास रखना चाहिए। वहीं अगर बात करें जैसे कि क्या होता है, कभी कभी सफ़र के दौरान चक्कर जैसी महसूस होने लगती है, चक्कर आने लगती है, तब उस कंडीशन पर आपको वर्टिगान जो कि पॉपुलर ब्रांड नेम है, इसमें अगर कंपोजिशन की बात करें तो सेनर्जिन पाई जाती है, जो कि आपके उल्टी उल्टी हुआ मतली हुआ या चक्कर के चक्कर भी साथ साथ आ रहे हैं, तब उस कंडीशन पे वर्टिगान टेबलेट जो है वो दी जाती है। तो ये भी टेबलेट आप अपने पास जरूर रखें। वहीं अगर नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो जैसे कि सफ़र के दौरान आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपके पेट में कब्ज बन रही है या आपको दस्त आ रहा है, तो वहाँ पे आपको नारफ्लाक्स दस्त के लिए दिया जाता है या मेट्रोजिल की टेबलेट, इनमें से कोई एक टेबलेट जो कि आपके दस्त के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। वैसे भी आप पेंटाप रख सकते हैं गैस के लिए, ओमीपैराजोल रख सकते हैं, तो ये मेडिसिन आपके सफ़र के लिए काफ़ी अच्छी होगी। और आप जब इस मेडिसिन को अपने पास रखेंगे तो आपको हो सकता है कि अगर ऐसी प्रॉब्लम पड़े तो तुरंत आप उसे ले सकते हैं। दोस्तों, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर लें। आई होप दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो। अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ऐसे वीडियो और चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।